कल जाने वाला है, तो उसको भी कुछ अच्छा सा खिला देते हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं कि वीडियो में क्या हो रहा है। चलिए फिर। जस्ट अभी शावर लेकर आई हूँ और कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो सोचा बाहर फैला देते हैं, और धूप भी अच्छी निकली हुई थी तो हेयर भी सूख जाते। उसके बाद अंदर आते हैं। मैं आज ब्रेकफास्ट में बनने वाली साबुदानी की खिचड़ी, जिसकी मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी हुई है, तो थोड़ा सा ऑयल चढ़ा देते हैं और उसमें डालते हैं मिर्ची, जीरा, अदरक, मीठी नीम की पत्ती, और आलू मैंने कच्चे काट के डाले हुए हैं, आप चाहें तो उसे बॉईल भी कर सकते हैं। और गाजर मटर, गाजर मटर का अच्छा सीज़न चल रहा है तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे बना के खाना। ये व्रत वाली खिचड़ी नहीं है, ये नॉर्मल ऐसी में ऐसी मुझे पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद डाल देते हैं स्वादानुसार नमक, और मूंगफली को मैंने भून कर मिक्सी में थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके रखा हुआ है, और थोड़ी सी काली मिर्च। जब तक हमारी सब्जियां भून रही हैं, अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और साबुदाना डाल देते हैं। अब साबुदाना की थोड़ी सी भुनाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मीडियम टू स्लो आंच में भुनाई करेंगे, और जब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि साबुदाना पक गया है। अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून शुगर डाल देते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। मैं डालती हूँ और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही जो मूंगफली हम लोग ने क्रश करके रखी हुई थी वो भी डाल देते हैं ऊपर से, और साथ ही साथ थोड़ा सा वो जो काली मिर्ची कूट के रखी हुई थी वो भी डाल देते हैं। हमारा साबुदाना अच्छे से भुन चुका है, तो साथ ही साथ हम डाल देते हैं नींबू का रस। नींबू का रस डालने से जो साबुदाना है वो चिपकता नहीं है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद डाल देते हैं हरी फ्रेश धनिया की पत्ती, जिससे खुशबू तो आती ही है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। बस धनिया की पत्ती डाल के इसको बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और तैयार है हमारी टेस्टी साबुदाना की खिचड़ी। आइए आप भी टेस्ट कर लीजिए। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बाहर ही कर लेते हैं, तो मैं खिचड़ी और चाय लेके आ गई मस्त बढ़िया धूप में। धूप लेते लेते चाय नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो मैं एंजॉय करती हूँ अपनी खिचड़ी और चाय। तब तक आप बने रहिए वीडियो में। पिछले साल यहाँ पे पूरे में सारे में सब्जियाँ, बहुत अच्छी सब्जियाँ लगी हुई थी, इस बार टाइम ही नहीं मिला कुछ लगाने का, लेकिन अब कुछ लगाएंगे। और ये अपने आप से, पिछली साल तो बहुत टमाटर हो गए, इस बार ये अपने आप से उग गया ये पौधा, ये देखिए कितने सुंदर टमाटर दिख रहे हैं, लगे कच्चे हैं अभी। इनकी चटनी बहुत टेस्टी लगती है, एकदम खट्टी खट्टी, और इसकी कड़ी भी बनती है। जब काफ़ी सारे हो जाएंगे ना ये टमाटो, तब मैं आपको इनकी कड़ी बना के बताऊंगी, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए तोड़ लेते हैं। इतने टमाटर निकल गए हैं, बस इतनी ज़रूरत थी, और पूरे टमाटर नहीं तोड़े, इतने ही काफ़ी हैं।
वहां तक मैं लाल हो जाऊं। क्या क्या सब्जी आ गई? मॉर्निंग राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सभी अच्छे से होंगे। मॉर्निंग से अभी मैं आप से लोगों से मिली नहीं थी, तो मैंने सोचा चलिए बात कर लेते हैं कुछ। रोज़ वही दाल सब्जी खा खा के मन भर जाता है, तो मैंने इनसे बोला मुझे कढ़ी खानी है। मठा तो आ गया। अच्छा, मैंने डब्बा खोल के देखा तो उसमें बेसन ही नहीं था। फिर मैंने इनको बोला कि जल्दी आ जाओ, तो चने की दाल रखी थी तो वो पिसवा लेते हैं। लेकिन फाइनली वो क्या हुआ कि इन्होंने दाल तो पिसवाई नहीं, ऊपर से बेसन लेकर आ गए। चलिए फिर लेट हो रहा है तो लंच की कर लेते हैं तैयारी। तो आज के मेन्यू में है कढ़ी एंड चावल, तो बनाते हैं टेस्टी टेस्टी कढ़ी। शाम के बज रहे हैं 5। खाना ना खा के हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे रेस्ट करने के लिए। अब जल्दी तैयार होकर चलते हैं मंदिर, तो दर्शन करके आते हैं, तो रेडी हो जाते हैं जल्दी से। लेट हो गए हैं और आशु थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं। क्या करें, घर से फोन आ गया तो बात करना भी तो जरूरी ना, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। चलिए निकलते हैं। तुम हम दोनों गोलू मोलू को नहीं संभाल पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, बाइक हम ही चलाते हैं। बस अब हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, चलिए आप भी साथ में। शाम के समय यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। बहुत ही जल्दी अंधेरा हो गया, नहीं तो मैं आपको पूरे मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन कराती। यहाँ बहुत से मंदिर हैं और ऊपर पहाड़ी तक बहुत मंदिर बने हुए हैं, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे और इतना पॉसिबल नहीं था कि ऊपर तक जा पाए। तो हम लोग ने बस नीचे ही शनिदेव मंदिर जी हैं, माता जी हैं और हनुमान जी हैं, उनके ही दर्शन करे और फिर हम लोग निकल आए थे, क्योंकि फिर डिनर पे भी जाना था तो वहाँ के लिए लेट हो जाते। यहाँ का शनि मंदिर है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ऊपर तक भी काफी मंदिर है, वहाँ पे वैष्णो देवी माता, कई माता बैठी हुई। हम लोग एक्चुअली घर से लेट निकले थे, तो हम लोग ना अच्छे से आपको दर्शन नहीं करा पाए। नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइम से आएंगे तो फिर टाइम से आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। जय शनि देव। अभी जस्ट हम लोग मंदिर से आए हैं और मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ बाहर से खा लेते हैं। शगुन कल जाने वाला है तो उसको भी कुछ अच्छा सा खिला देते हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं कि वीडियो में क्या हो रहा है। चलिए फिर।
तो हम लोगों का डिनर आ चुका है, हम लोग डिनर करने बैठे हैं और मैंने इनको खिलाया और ये देखिए कि मुझे कैसे चिढ़ा रहे हैं। हम लोग घर आ चुके हैं और ये देखिए मामा भांजे की जो भी बातें हो रही हों, इन लोगों की बातें ही नहीं कभी ख़त्म होती हैं। और मैं गर्म मिल्क लेके आ गई थी इन लोगों के लिए, क्योंकि सोने का भी टाइम हो रहा था, कि मॉर्निंग में जल्दी उठना था क्योंकि शगुन को निकलना भी था। तो बस हम लोग का डिनर हो चुका है और थोड़ा बहुत जो किचन क्लीन करने के लिए रह गई थी तो वो भी हो गई है और थोड़ा वॉक भी हो गई है। अब टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राधे।